बाबर उत्तर प्रदेश कानपुर से ऑपरेशन त्रिनेत के हाथ लगी एक और सफलता। दादानगर पुल से दो शातिर थप्पेबाज दबोचे गए। 16 मई 2024 को रात 10 बजे गोल्डन टी कंपनी फजलगंज से बिमला सिंह के साथ टप्पेबाजी की गई। फजलगंज पुलिस टप्पेबाजों की तलाश में जुटी थी। थाना अध्यक्ष फजलगंज को उन टप्पेबाजों की सूचना मिली। सूचना के आधार पर थाना अध्यक्ष ने पुलिस दल के साथ दबिश देकर गिरफ्तार किए दो शातिर टप्पेबाजों को। अभियुक्त जावेद अख्तर उर्फ चिकना व मोहम्मद अकरम के पास से एक पैंडल युक्त मटरमाला, एक जोड़ी कान का सितारा व एक जोड़ी झुमकी बरामद हुई। दोनों अभियुक्तों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के उपरांत अदालत में हाजिर किया जा रहा है। ये तिथि 16/5/2024 को खोया मंडी चौराहे के पास में एक महिला जो है निवासी सरोजनी नगर फजलगंज के साथ टप्पेबाजी की घटना घटित हुई थी, जिसके अनावरण हेतु जो है तीन टीमों का गठन किया गया था, जिसमें उस टीम ने सर्विलांस का सहारा लेते हुए और साक्ष्यों को संकलित करते हुए सीसीटीवी देखते हुए अभियुक्तों की जानकारी किया और दोनों अभियुक्तों को आज गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से महिला के जो माला गई थी और साथ ही साथ एक कान का पीली जो है जोड़ी कान का झुमकी गई थी, उसको बरामद किया गया है। और एक अभियुक्त का नाम है मोहम्मद जावेद, ये रहने वाला है सजेती का, और दूसरा अभियुक्त है मोहम्मद अकरम, ये निवासी नौबस्ता का रहने वाला है, जिसमें अभियुक्त जावेद अकबर के विरुद्ध 7 अभियोग पूर्व से पंजीकृत हैं और शेष दूसरे अभियुक्त मोहम्मद अकरम का आपराधिक इतिहास संकलित किया जा रहा है। इन दोनों अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास संकलित करके इनको गैंग पंजीकरण की कार्यवाही और साथ ही साथ गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही, इनके द्वारा जो अपराधों से अर्जित संपत्ति की गई है उसकी धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही और हिस्ट्री शीट खोलने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इस पूरी टीम ने बड़ी अच्छे तरीके से जो है अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। जो माल गया हुआ था महिला का, उसकी रिकवरी किया है। पूरी टीम को उत्साहवर्धन हेतु 25,000 रुपये नगद से पुरस्कृत किया जाएगा। सर, अभी तक कितनी महिलाओं को अपने हाथ से मिली है, कानपुर या इसके अलावा भी कोई जानकारी हो? इनका जो पूर्व एक अभियुक्त का आपराधिक इतिहास है, उसके विरुद्ध 7 अभियोग पूर्व से पंजीकृत हैं और दूसरे अभियुक्त के बारे में अभी क्रिमिनल हिस्ट्री प्राप्त नहीं हुई है, इसमें जो है संकलित किया जा रहा है। और इन्होंने जो है यहाँ की घटना फजलगंज की जो टप्पेबाजी की घटना कारित की थी, उसको इन्होंने इकबाल किया और अपने कब्जे से जो सामान और आभूषण गए थे उनको बरामद भी कराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।